यूक्रेन के राष्ट्रपति तो खुद यूक्रेन में नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि कहां कहां पर अटैक हुए हैं और ये अटैक नेटो समिट से जुड़े हुए हैं। क्या क्या इनका नेटो में से होने वाली समिट से या पोलैंड के जेलेंस्की के पोलैंड दौरे से कुछ कनेक्शन है? क्योंकि जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन के 5 शहरों पर बमबारी हुई है। पहला अटैक कीव पर हुआ है, दूसरा निप्रो पर, फिर रूस ने क्रिवी री, स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। तो रूस की बमबारी आप देखिए यूक्रेन में, उसने ऑलमोस्ट जो रूस की तरफ का हिस्सा है और सेंट्रल जो यूक्रेन है वहां तक ये बमबारी की है। और कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि लवीव जो पोलैंड से लगता हुआ 70 से 80 किलोमीटर दूर का शहर है यूक्रेन का, वहां भी मिसाइलें जा सकती हैं रूस की। तो यूक्रेन पर आज के विध्वंसक हमले का नंबर गेम भी आपको दिखा देते हैं। 5 शहरों पर अटैक हुआ है, 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला रूस ने किया है और इसके अलावा 25 लोगों की मौत हुई है। 5 शहरों पर अटैक देखिए आप, इसके अलावा 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा मिसाइलें यहां पर इस्तेमाल की हैं रूस ने, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, 25 की मौत, 100 से ज्यादा घायल हैं, 15 हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक यहां पर हुआ है। अब क्योंकि जनरल बख्शी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जनरल बख्शी, तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन ये अचानक से रूस का लगभग 2 साल बाद इतना विध्वंसक अटैक, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, इसका प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां जाने से कोई लेन देन नहीं है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रूस के ऊपर पिछले कुछ दिनों में रूस की ऑयल फील्ड्स के ऊपर लगातार यूक्रेन अपने जो है ये ड्रोन्स दाग रहा है, वहाँ पे आग लगा रहा है। ऑयल फील्ड ऐसी जगह है, 1 किलो 2 किलो का भी बॉम्ब वहाँ फट जाए तो वहाँ आग लग जाएगी, इनफ्लेमेबल एरिया है, वो नुकसान रूस को पहुँचा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि रूस थूका चाट जाएगा, कोई जवाब नहीं देगा, चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा? मैं आपको एक बार रोकूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि तस्वीरें आ रही है मॉस्को से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, होटल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वहां पर देखिए जो भारतीय लोग वहां पर आए हैं उनके स्वागत के लिए, वो हाथ में प्लेकार्ड्स लेकर आए हैं, कुछ लिख कर लाए हैं प्रधानमंत्री के लिए, वो सब देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बिल्कुल क्रेमलिन के पास का होटल है, होटल कार्ल्टन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हैं, और वहीं पर भारतीय मूल के लोग या भारतीय लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। और जैसा कि अक्सर उनके विदेश दौरों पर हम देखते हैं कैसे भारतीय लोग उनसे मिलने को आतुर रहते हैं, ठीक वैसी तस्वीरें इस वक्त यहां से आती हुई। आप जनरल बख्शी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ जी, देखिए मैं वही कहना चाहता था, दिस इज अ रिस्पॉन्स, ये है कि जो यूक्रेन लगातार नीडलिंग कर रहा है, रूस के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है, ऑयल फील्ड्स को हिट कर रहा है, हालांकि बाइडन ने मना किया था, वो नहीं चाहते कि दुनिया में ऑयल की प्राइसेस ऊपर उठें, इन्फ्लेशन बढ़े और उनको इलेक्शन में नुकसान हो, लेकिन यूक्रेन को अब आपको बंदर के हाथ में चाकू छुरा दे दिया है तो वो लगाए जा रहे हैं, तो अब जवाब तो आएगा इसका, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। देखिए, अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि जून के महीने में रूस अपना मेजर काउंटर ऑफेंसिव करेगा, क्योंकि ज़मीन पक्की हो जाती है और रोड से हट के भी टैंक चल सकते हैं। अभी तक मेजर काउंटर ऑफेंसिव नहीं आया। हाँ, एक जो डाइवर्शनरी अटैक उसने खार्कीव की तरफ किया है, जहां काफी गेन्स किए हैं, अब वो पूरे ईस्टर्न फ्रंट में उसने धीरे धीरे हमले शुरू किए हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अटकलें लगाई जा रही हैं कि हंगरी जो है उसने पीस टॉक्स, सीज फायर की टॉक्स शुरू की है। अभी तक तो जेलेंस्की साहब कह रहे थे कि हम 100 देश बुला के पीस वार्ता करेंगे, रूस को नहीं बुलाएंगे। ये अजूबा है साहब, अपने आप में लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है और आप शांति की बातें कर रहे हैं बगैर रूस को बुलाए। आप बैठ के डिल्यूजनल हो गए थे। मैं इस पर बात करूंगा सर, से बैठे और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, क्या नेटो समिट से कोई कनेक्शन है
आज के रूस के अटैक का। क्यों ये मैं कह रहा हूं, आप देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, नेटो का समिट, नेटो की समिट होने वाली है। मैं आपको समिट के बारे में जल्दी से बताता हूं। देखिए अमेरिका में ये समिट होनी है नेटो की, 9 जुलाई से 11 जुलाई तक ये समिट होनी है। 75वीं सालगिरह मनाई जाएगी यहां पर नेटो की, और नए सदस्य के तौर पर स्वीडन का स्वागत होगा। अभी 32 सदस्य देश इसमें है। यूक्रेन को नए पैकेज पर भी यहां चर्चा संभव है। तो क्या अमिताभ जी आपको ये लगता है कि नेटो समिट से इस वॉर का कोई कनेक्शन है? पोलैंड में ज़ेलेंस्की, क्या वो भी जा सकते हैं नेटो की समिट में? बिल्कुल, देखिए मैं वही बात करने जा रहा था जो डीडी बख्शी सर ने शुरू किया था। जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है हंगरी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ओरबान का, पहले वो ज़ेलेंस्की से मिले, फिर वो मॉस्को गए, अब वो चीन पहुंच गए हैं और वहां से वॉशिंगटन जाएंगे। तो ये एक बैकग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है रूस द्वारा और विक्टर ओरबान द्वारा कि किसी तरह अपने कंस्टिट्यूएंसी को और दुनिया को दिखाया जाए कि कुछ वार्ताएं होने जा रही हैं। लेकिन इसका पूरी तरह से सैंक्शन वेस्ट ने नहीं दिया है। अब रही बात वॉशिंगटन में जो नेटो समिट हो रहा है, वो एक बहुत क्रूशियल समिट होगा इस वॉर के लिए, और वो इसलिए भी होगा क्योंकि पहली बार इस साल आपने देखा होगा कोई मेजर काउंटर ऑफेंसिव दोनों तरफ से नहीं चल रही है। जी। कुछ चली फिर रुकी फिर कुछ चली। जिस तरह से शस्त्रार्थ दिए गए थे यूक्रेन को, ऐसा माना जा रहा था कि काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन भी करेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। यानी एक बहुत बड़ा डिसीजन इस समय वॉशिंगटन में लिया जाएगा। और मॉस्को की अगर ओपिनियन आप जानना चाहें तो मॉस्को ये कह रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट्स को कि देखो विक्टर ओरबान जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो यहां आए थे और वो वार्ताएं कराने जा रहे हैं और वो वॉशिंगटन में हमारी बात रखेंगे। तो ये जो बॉम्बिंग्स हुई हैं इस समय कीव और लिविव पे, वो सिर्फ यही दिखाता है। तो मैं काम करता हूं सर, आपने बड़ी अहम बात की है, जनरल बख्शी ने बड़ी अहम बात की है, मनीष हमारे साथ हैं, मैं जरा चार तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और उसके बाद मनीष की एक खबर भी है वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे चीन को एक बड़ा मैसेज यहां पर रूस की तरफ से दिया गया। लेकिन ये चार तस्वीरें देखिए, एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी रूस दौरे पर हैं, वो तस्वीर दिखाइए जरा पीसीआर, दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस ने विध्वंसक बमबारी की है, ये आपके सामने तस्वीरें आएंगी। आप देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री रूस दौरे पर हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस ने विध्वंसक बमबारी की है। वही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पोलैंड पहुंचे हुए हैं और नेटो का सम्मेलन भी 9 तारीख से होने जा रहा है। एक तरफ देखिए यूक्रेन में विध्वंसक बमबारी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का रूस दौरा, तीसरी तरफ ज़ेलेंस्की पोलैंड में, और इसके अलावा नेटो का सम्मेलन, ये सब आपस में क्या कनेक्ट होता है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो रूस ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है? ये भी वो जो खबर थी हमारे साथ वो दिखाइएगा, पीएम मोदी के दौरे की जो खास बात है वो भी दिखाइएगा, और वो जो किस तरह से चीन को एक मैसेज दिया है वो खबर तैयार हो तो मुझे पीसीआर बताइएगा। लेकिन इस बीच मैं चाहूंगा कि मनीष, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से समरकंद में एक बड़ी बात कही थी कि यह युद्ध का नहीं शांति का युग है, आज जब पुतिन से वो दोबारा मिल रहे होंगे, आज जब वो 2 दिन के दौरे में उनकी बायलेटरल होगी, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री ये शांति का संदेश दे सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी, मैं सीधे सवाल में पूछूं, क्या मोदी पुतिन को समझाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। हाँ। लेकिन तब से अभी तक अगर आप देखें तो 2.5 साल से लगातार युद्ध चल रहे हैं। केवल युद्ध ही नहीं चल रहा, रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा यहाँ पर मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है जिसमें सीधे सीधे चाहे रशिया का भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, कोई और नया मोर्चा भी खुल रहा है। तो युद्ध तो कई मोर्चों पर होने जा रहा है। वैसे में जब पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी और उनसे बातचीत होगी तो इस मसले पर बात हो सकती है कि शांति कैसे स्थापित हो। कम से कम प्रधानमंत्री तो यही अपील करेंगे, और शांति स्थापित करने के लिए पुतिन ने अपना एक पीस फॉर्मूला भी दिया था, तो वो जरूर इस बात को करेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखिए, जब भी मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है या जब भी मोदी और पुतिन की बात हुई है, हर बार रूसी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को युद्ध के बारे में ब्रीफ किया है कि अभी सिचुएशन क्या है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी तब ज़ापोरिज्या न्यूक्लियर प्लांट पर जो मिसाइल हमले हो रहे थे उसको रोका गया था ताकि कोई न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो। तो शांति को लेकर जो कोशिशें हो सकती है वो प्रधानमंत्री करते आए हैं और उसको प्रेसिडेंट यही आगे देखना होगा।